जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे श्राद्ध पक्ष में हमें तर्पण करना होता है, भोजन करना होता है, दान पिंड दान और ब्राह्मण भोज करना होता है। कई बार हमारी जन्म कुंडली में हमें पितृ दोष बता दिया जाता है, कई बार हमारे जब श्राद्ध चलते हैं पितृ पक्ष होता है तो हमें ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, या फिर हमारे तिथि याद नहीं रहती है अपने जो हमें श्राद्ध करना होता है अपने पूर्वजों का पितरों का, तो हमें तिथि भी याद नहीं रहती है या हमें मालूम नहीं होती है कि किस दिन का हमें श्राद्ध करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पितृ दोष को दूर करने के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों को खुश करने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, मैं आपको इसमें छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। पितृ दोष दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है, पितृ पक्ष में अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। तो गीता में 18 अध्याय होते हैं और पितृ पक्ष में 16 दिन होते हैं, तो आप 16 दिन में इन 18 अध्याय को पढ़ सकते हैं। आपके पास जैसा भी समय है आप गीता का पाठ कीजिए, आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष में अगर हम गीता का पाठ पढ़ते हैं तो हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें पितरों को, अपने पितरों को जब ये गीता का अध्याय पढ़ते हैं तो उनसे विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बोलना चाहिए कि जो यह पाठ हम कर रहे हैं इससे आपको सदोगति मिले, मोक्ष मिले और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि आपकी शांति के लिए हम गीता का पाठ कर रहे हैं, आप आइए और इसको श्रवण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से ना, जब हम गीता का पाठ करते हैं अपने पितृपक्ष में, या अगर हम एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, तो हमें बहुत लाभ होता है, हमारा पितृ दोष दूर हो जाता है। कुंडली में हमारे में पितृ दोष बता दिया जाता है, हर तीसरे की कुंडली आप जब भी कहीं कोई दिखाता है ना तो पितृ दोष बता देते हैं। तो पितृ दोष को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है गीता का पाठ। गीता का पाठ ना कोई भी कर सकता है, बड़े कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। दही और पेठा का भोग लगा सकते हैं, हाथ में जल लेकर आप अपना संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी सुगमता के लिए, ये उनकी सदोगति के लिए पाठ कर रहा हूँ। और उसके बाद हाथ में ना आप कुसा घास ले लें, धूप घास ले लें, पुष्प ले लें, कोई सिक्का ले लें, चावल ले लें, यानी खाली हाथ नहीं पढ़ना चाहिए और चौकी पर रख कर पढ़ना चाहिए, हाथ में लेकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो पितृदोष में अगर हम पितृदोष हो या हम श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ करते हैं तो हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि गीता रामायण भागवत ये सब हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे, जब बुढ़ापे में खोलते हैं तो पछताते हैं कि हमें युवावस्था में पढ़नी चाहिए थी। गीता बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ नहीं है, गीता जीवन जीने का रास्ता दिखाती है, डिप्रेशन को दूर करती है। हमें अपना गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और पितृपक्ष में जिस दिन, अगर आपका श्राद्ध, आपको पता है कि इस दिन का श्राद्ध है, तो उस दिन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप दीपक भी जला सकते हैं, धूपबत्ती जला सकते हैं, नहीं तो एक जल का लोटा भर कर रख लीजिए। जहां आपके पितरों की फोटो घर में लगा रखी, तस्वीर लगा रखी है, उनके पास बैठकर भी आप गीता का अध्याय कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक तो हम अंधकार में जी रहे थे, गीता जीवन जीने का प्रकाश लेकर आती है जीवन में। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, गीता के 18 अध्याय में आप पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ऐसे करके पढ़ सकते हैं, दो अध्याय भी पढ़ सकते हैं और एक श्लोक को भी पढ़ सकते हैं। 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने की थी और गीता स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश है, इसलिए हमें गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग के माध्यम से जीवन जीने का मार्ग हमारा सुगम करती है और हमें हमारी सारी परेशानियों को दूर करती है। हमें गीता, आप ना गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। आप गीता का पाठ ना किसी भी समय पढ़ सकते हैं, कोई इसके नियम नहीं है कि आपको इसी समय पढ़नी है, जब भी आपका पढ़ना चाहिए, जब भी आप, आपके पास समय हो तब भी आप गीता का पाठ कर सकते हैं। आप ट्रैवल में भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में फ्री हैं तब भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं आप। जैसे क्रोध में ना, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और बुद्धि से तर्क होता है, तर्क नष्ट होता है और विवेक नष्ट होता है और फिर विवेक से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप एक चौकी लें, चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें और उस पर एक जल का लोटा रख लें, आचमन करें और नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण भगवान, हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए गीता का पाठ कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को सुगमता देना, शांति देना, सदोगति देना, मोक्ष देना। तो इस तरह से ना आपके पितृ
प्रश्न होंगे, आपके जितने भी पीढ़ी के पूर्वज जो भी परेशान हैं, जो भी मतलब या कोई दोष लग जाता है तो वो सब दूर हो जाता है। तो आज से ही आप गीता का पाठ प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना पितृपक्ष में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी परेशानियाँ दूर करेगा। बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री हरि कृष्ण।